गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई नेम इज़ काजल राजपूत, लेक्चरर एट भारतीय ग्रुप ऑफ कॉलेज दुर्ग। टूडे इज़ आवर टॉपिक इज़ कॉरपोरेट प्लानिंग। ये मैनेजमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉरपोरेट प्लानिंग। आइए हम देखते हैं कि कॉरपोरेट प्लानिंग क्या होता है। कॉरपोरेट प्लानिंग को हम निगमीय नियोजन भी कहते हैं, मतलब जो नियोजन है वो व्यवस्थित और विस्तृत प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो कि संगठन के संसाधनों एवं शक्ति का हिसाब रखती है तथा वातावरण जिसमें संगठन को संचालित कर एक पूर्ण निगम इकाई के रूप में बनाती है। मतलब एक वो है प्लानिंग है, उसको पूरा डिसाइड करती है कि कैसे करना है, कहाँ पर करना है और कब करना है। निगमीय नियोजन के अंतर्गत मतलब जो भी संगठन है, जो उसके लॉन्ग टर्म प्रोसेस हो या शॉर्ट लेवल जो भी हो, वो पूरा उसके अंदर में आता है और उसका क्या बोलते हैं उद्देश्य योजना जो भी प्लानिंग रहती है वो एक व्यू रचना के तहत की जाती है। मतलब उसका एक पूरा रचना बनाया जाता है कि किस हिसाब से कैसे करके। प्लानिंग मीन्स क्या होता है, आप अल्टीमेटली प्लानिंग से क्या समझते हैं कि प्लान मतलब जो भी हम पहले प्लान करते हैं उसके बाद उसमें ऑर्गेनाइजेशन में जो भी है उसको तैयार करते हैं, तो सबसे पहला प्रोसेस होता है मैनेजमेंट का प्लानिंग। तो ये कॉरपोरेट प्लानिंग जो होता है वो कंपनीज़ के लिए होता है, वो चाहे छोटी कंपनी हो या बड़ी कंपनी हो, वो हर चीज़ को देखता है उसके कि उसकी ग्रोथ किस में है, वो क्या करेगा कैसे करेगा तो उसकी ग्रोथ होगी, ये सब वो डिसाइड करता है। कौन? कॉरपोरेट प्लानिंग। फिर क्या है कॉरपोरेट प्लानिंग? इज़ अ टोटल सिस्टम ऑफ प्लानिंग विच इन्वॉल्व्स द डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स फॉर द कंपनीज एज अ होल एंड फॉर ईच डिपार्टमेंट ऑफ इट। मतलब कॉरपोरेट प्लानिंग एक सिस्टम है प्लानिंग का, जो पूरा इन्वॉल्व करता है ऑब्जेक्टिव्स का कि क्या उद्देश्य है। कोई भी कंपनी ही चलाने के पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य रहता है और हर कोई का उद्देश्य होता है कि वो कंपनी अच्छे से रन करे और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ हो उसकी और ज़्यादा से ज़्यादा उसे प्रॉफिट अर्न हो। फिर क्या है फॉर द कंपनी एज अ होल एंड फॉर ईच डिपार्टमेंट ऑफ द इट। मतलब पूरी कंपनी के लिए देखते हैं और हर एक डिपार्टमेंट के लिए देखता है। फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटजीज फॉर द अटेनमेंट ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव्स। वो जो भी स्ट्रेटजीज है, जो भी लेवल है, उसमें वो इंक्लूड करता है और देखता है कि कैसे वो फॉर्मुलेट करता है कि कैसे वो अच्छे से अचीव कर सके और अच्छे से अपने ऑब्जेक्टिव्स को क्या कर सके अचीव कर, जो भी उद्देश्य हैं उसको अचीव कर सके। फिर क्या है द टॉप मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी इज इंटरेस्टेड विथ डिफाइनिंग इट्स कॉरपोरेट प्रोफाइल, डिस्क्राइबिंग द कंपनी ओवरऑल डायरेक्शन एंड द एटीट्यूड टूवर्ड्स ग्रोथ अलॉन्ग विद द मैनेजमेंट ऑफ इट्स रिसोर्सेज एट ऑल लेवल एंड ग्रैंड लेवल। अब ये कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज होती है जो टॉप मैनेजमेंट होते हैं जो कंपनी के, वो डिसाइड करते हैं कि कंपनी को किस डायरेक्शन में जाना है, कि उसका क्या एटीट्यूड होगा ग्रोथ की तरफ और वो कौन कौन से ऐसी एरियाज होंगे यहाँ पर कंपनी ऑपरेट करेगी। तो ये टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। मतलब पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए टॉप लेवल मैनेजमेंट ही डिसाइड करता है कि कहाँ पर और वो कैसे करे कि कंपनी को ग्रोथ मिले और ज़्यादा से ज़्यादा उसे प्रॉफिट मिले। कॉरपोरेट प्लानिंग इज ऑल्सो नेज ग्रैंड प्लानिंग और मास्टर प्लानिंग से भी आ सकता है। इट मीन्स कॉरपोरेट प्लानिंग ही होता है, ये टॉप मैनेजमेंट का प्लानिंग होता है। कॉरपोरेट प्लानिंग क्या होता है कि किसी भी कंपनी को डायरेक्शन देती है कि कितने रिसोर्सेज कहाँ पर लगाए जाएं। ये तो स्वाभाविक बात है कि सारे फर्म्स के पास लिमिटेड रिसोर्सेज ही होते हैं। ये स्मॉल बिजनेस के लिए भी होता है और लार्ज बिजनेस के लिए भी होता है। क्या? कॉरपोरेट प्लानिंग। अब हम देखते हैं इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉरपोरेट प्लानिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग, हैवी एप्रोप्रिएशन, सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन फॉर एमलगमेटेड प्लानिंग, रिस्की बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग, पॉलिसी आर बेस्ड ऑन सच ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट क्या है हमारा लॉन्ग टर्म प्लानिंग। तो लॉन्ग टर्म मतलब ये दीर्घकालीन नियोजन है, मतलब कि समामेलित नियोजन दीर्घकालीन नियोजन होता है। मतलब कॉरपोरेट प्लानिंग है वो लॉन्ग टर्म लंबे समय तक चलने वाला
प्लानिंग है कि दीर्घकालीन योजना का प्रक्रिया है कि भविष्य को ध्यान में रखते हुए वर्तमान निर्णय जो रहते हैं मार्गदर्शन करती है और यह भावी निर्णय को शीघ्रता ही मितव्ययता और नियंत्रण अवरोधों से लेने का साधन है। ये क्या है, अपना वर्तमान में जो होने वाला है उसका भी वो निर्णय लेती है और ये बहुत लंबे समय तक ये कि नहीं थोड़ा सा प्लानिंग करके हो गया, क्योंकि कोई भी बिजनेस है वो हमेशा लॉन्ग टर्म चलता है तो उसके लिए लंबी प्लानिंग करनी होती है ताकि वो सही मार्गदर्शन मिले उसे और सही तरीके से वो कर सके। सामान्यतः दीर्घकालीन नियोजन 5 वर्ष अथवा इसे अधिक भी अवधि के लिए होती है, 5 साल या 5 साल ज़्यादा के लिए भी इसकी रहती है अवधि। भारतीय परिस्थितियों के संदर्भ में सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र को सम्मिलित संस्थाओं को नियोजन समान होकर अलग अलग होता है, जहां एक और सार्वजनिक सम्मिलित संस्थाओं का नियोजन का क्या है, जो सामान्य जो जनरल प्लानिंग्स होते हैं वो हमेशा कितने के 5 ईयर्स के होते हैं, बट कुछ सरकारी भी होते हैं जो 5 से अधिक होते हैं, जो प्राइवेट होते हैं वो 5 ईयर्स के होते हैं, बट जो गवर्नमेंट होती है वो 5 ईयर्स से ज़्यादा के लिए होती है। फिर क्या है, हैवी एप्रोप्रिएशन मतलब भारी विनियोजन। ये क्या है, निगम यह सम्मिलित नियोजन दीर्घकालीन होने के कारण इसके लिए भारी विनियोजन की आवश्यकता होती है, जिससे क्या है रिटर्न की लंबी अवधि के पश्चात मिलने की संभावना रहती है। जिससे अधिक लंबी अवधि होगी तो विनियोजन की जोखिम भी उतनी, रिस्क भी उतना ही होगा। ये नहीं कि हम लोग बना दिए अप्रोप्रिएशन तो ऐसा नहीं है, प्लानिंग बना दिए तो उसमें रिस्क नहीं होगा, कभी कभी लॉस भी हो जाता है, कभी कुछ कारण की वजह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आते ही रहते हैं। तो ये क्या है, एक हैवी अप्रोप्रिएशन है। फिर क्या है, हमारा सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन फॉर एमलगमेटेड प्लानिंग, तो इसको हम और क्या बोलते हैं हिंदी में, समामेलित नियोजन के लिए एक पृथक संगठन, अलग अलग संगठन बनाई जाती है। समामेलित नियोजन काल लंबी अवधि का होने के कारण इसके लिए पृथक संगठन की स्थापना करनी पड़ती है, या मतलब सेपरेटली बनाना पड़ता है, या संगठन किसी बड़े अधिकारी के अधीन होता है जो समामेलित नियोजन विभाग की प्रगति एवं प्रसार के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होता है। समामेलित नियोजन के अधिकारी द्वारा एक सीमित का मतलब गठन, समिति का गठन किया जाता है। ये नहीं कि अकेले कोई भी प्लानिंग कर सके, कोई भी प्लानिंग के लिए बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है, कुछ भी अकेले हम नहीं कर सकते हैं। तो इसके फिर क्या है कि ये विभागीय है, ये इसको क्या एक अधिकारी ही तय करता है कि कैसा और किस हिसाब से करेगा, और इसके लिए एक समिति बनाया जाता है। फिर क्या है हमारा बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग, कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं प्लानिंग के लिए, कि सममेलित नियोजन भावी लाभों को ध्यान में रखकर किया जाता है। समावेलित लाभ जितने अधिक होंगे उसमें क्या नियोजन उतना ही अधिक क्रियाशील और प्रभावी होगा, मतलब जितना अच्छा रहेगा उतने ही अच्छी उसकी प्लानिंग भी रहेगी, उतने ही उसको बेनिफिट्स होंगे, उतने ही उसे ग्रोथ होगा, उतने ही उससे प्रॉफिट होगा। और ये क्या होता है, रिस्की होता है। क्या है, समामेलित नियोजन दीर्घकालीन होता है, इसके कारण उसके जोखिम की सर्वाधिक होती है। भविष्य अज्ञात है, मतलब भविष्य के बारे में कोई कुछ नहीं जानता, ये लंबे समय तक लॉन्ग टर्म वाली प्लानिंग है, इसलिए इसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा रहते हैं कि कल क्या होने वाला है इसके बारे में कोई निश्चय रूप में नहीं कह सकते, केवल भविष्यवाणी ही कर सकते हैं। भविष्यवाणी सही निकलेगी इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता। फिर इसमें धन का विनियोजन भी कहीं अधिक होता है, जो भी कर रहे हैं धन लगा रहे हैं कुछ भी करने से पहले आप पैसे तो लगाने ही पड़ते हैं, तो अधिक लगाने पड़ते हैं। नियोजन वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखकर किया जाता है, मतलब आगे का देखकर किया जाता है, ये नहीं कि अभी का हम देखकर रिस्क नहीं ले सकते, आगे का भी देख के उसमें रिस्क लेना पड़ता है। फिर क्या है, पॉलिसी आर बेस्ड ऑन सच ऑब्जेक्टिव्स, मतलब ये क्या नीति उद्देश्यों एवं लक्ष्यों पर आधारित रहता है। निगम या सम्मिलित नियोजन संस्था की नीति उद्देश्यों एवं लक्ष्यों पर आधारित होता है। फिर क्या है, एलिमेंट्स ऑफ कॉर्पोरेट प्लानिंग, कौन कौन से प्लानिंग है, पॉलिसी प्लानिंग है, फंक्शनल प्लानिंग है और टाइपिकल प्लानिंग है। तो फर्स्ट क्या है, पॉलिसी प्लानिंग मतलब नीति युक्त योजना। क्या है, नियोजन संगठन के उद्देश्यों को निर्धारित करता है तथा जो विस्तृत रूप एवं पूर्ण योजना रखते हैं, जिसके उद्देश्य फर्म की नीति गति लाभों का वातावरण के दावा करने वालों को समक्ष रखना है।
वातावरण की चुनौतियों के कारण या संगठन की कमजोरियों एवं ताकत का अनुमान लगाते हैं कि किसी भी व्यवसाय को अनिश्चित वातावरण से अधिक समय तक जीवित रहने एवं बढ़ने हेतु प्रभावशाली नीति युक्त नियोजन अत्यंत अब कोई भी पॉलिसी कराना बहुत ज़रूरी है। पॉलिसी क्यों कराया जाता है कि आगे कुछ भी हो सकता है, तो पॉलिसी रहेगा तो कुछ ना कुछ तो रिफंड होगा ही। इसीलिए कॉरपोरेट प्लानिंग जो भी बिजनेस स्टार्ट करता है उसमें कोई ना कोई पॉलिसी रखता है। आप देखे ही होंगे कि गाड़ी भी खरीदो तो उसमें पॉलिसी होती ही है। फिर क्या है हमारा फंक्शनल प्लानिंग, तो क्रियात्मक नियोजन दिन प्रतिदिन क्रियाओं में व्यवहार करता है तथा तत्कालीन परिस्थितियों में क्या करता है व्यवसाय को संकीर्ण का संचालन में संबंध रखता है। उदाहरण, क्रियात्मक नियोजन इस तथ्य को स्थित करता है कि उत्पादन हेतु बाजार में परिस्थितियां के आय परिवर्तन की फर्म की लाभ और कमाने की क्षमता को विपरीत रूप से प्रभावित नहीं करते हैं। फिर क्या है हमारा टिपिकल प्लानिंग। टिपिकल प्लानिंग क्या है, प्रारूपित नियोजन मतलब यह प्रारूप को सफलतापूर्वक पूर्ण करने से संबंधित है जिसके अंतर्गत देश का पूर्ण परिणाम नवीन उत्पादन के परिचय एवं नए यंत्रों को स्थापना शामिल करते हैं। तो सो आई होप आप लोगों को कॉरपोरेट प्लानिंग समझ में आ गया होगा कि एक टॉप लेवल का प्लानिंग है जिसमें जिसके अंतर्गत कि कैसे का क्या किया जाए, तो वो हर लेवल हर कंपनी के अंडर में जितनी भी कंपनियां होती है उनको गाइड करता है कि कितना रिसोर्सेस कहाँ पर लगाया जाए, चाहे वो स्मॉल फर्म हो या लॉन्ग फर्म हो। तो ये क्या है कि डिसाइड करता है कॉरपोरेट प्लानिंग की कैसा बिजनेस को चलाना है जिससे उसका ग्रोथ अच्छे से हो और प्रॉफिट उसे ज़्यादा से ज़्यादा मिले। और इसके हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, कैरेक्टरिस्टिक्स में लॉन्ग टर्म प्लानिंग था, हैवी प्रोप्रिएशन, सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन, रिस्की है, बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग है, पॉलिसी आर बेस्ड ऑन सच ऑब्जेक्टिव्स। और उसके कुछ एलिमेंट्स थे कि पॉलिसी प्लानिंग है, फंक्शनल प्लानिंग है और टिपिकल प्लानिंग है। सो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।